हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे रवीना रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्माइल पनीर पराठा। देखिए कितना टेस्टी पराठा तैयार हुआ है। हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, उसको कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस कर लिया है हमने पनीर को। अब इसमें हम खुद सूखे मसाले ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ी कलर के लिए मैंने हल्दी का यूज़ किया, एक पिंच हल्दी और नमक। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने ये रोटी को बेल लिया है और इस पे हम पनीर रखेंगे और इसको घुमाते हुए फोल्ड करेंगे और एक लोई तैयार कर लेंगे। लोई तैयार करने के बाद रोटी बेल लेंगे और सेक लेंगे इसको तवे पे। अब इसको पलटी करेंगे और घी लगाएंगे। देखिए, अब इस पे हम घी लगा देंगे, दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे और पलटी करेंगे फिर से। इस तरफ भी हम घी लगाएंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। देखिए, मैंने अच्छे से घी लगा के इसको सेक लिया है दोनों तरफ से और वो टेस्टी पराठा बना है। निकाल लेंगे, इसी तरह हम दूसरा पराठा सेक लेंगे और इसको भी घी लगा के सेक लेंगे। हमने दूसरा पराठा भी सेक लिया है और स्माइल बना दिया है, इसलिए स्माइल पनीर पराठा है। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमारा पराठा रेडी हो गया है। बाय गाइस, खा लीजिए।